आदिशक्ति अलौकिक उपचार ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति माँ आदिशक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरु जी श्री सूर्य भान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा। यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदिशक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्य भान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व माँ आदिशक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदिशक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारत वर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052, 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महा अभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदिशक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरुजी श्री सूर्य भान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदिशक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरुजी द्वारा संस्थापित आदिशक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए एक वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए एक मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए, अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए। पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए।
अति परम तत्व अविनाशी समेत जा पहुंचे किसी तपोवन में जा पहुंचे किसी तपोवन में चवन हरि चिंतन में हे जहां समाधि लगाए हुए ऋषिराज चवन हरि चिंतन में वन में पहुंचे हैं जहां ऋषिवर च्यवन का आश्रम था। च्यवन ऋषि समाधि लगाए हुए हैं उसी तपोवन में। दोपहर का वक्त हो गया, तिलमिलाती धूप में राजा ने आज्ञा दे दी सैनिकों को कि यहीं पर पड़ाव डाल दो, वन की छाया में, पेड़ों की छांव में। सभी सैनिकों ने पड़ाव जमा दिया है और उस दिवस राजा के साथ उनकी एक छोटी सी कन्या जिसका नाम है सुकन्या,
वो भी साथ में गई है। बालापन का मामला था, खेलते 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 वो कन्या अपनी कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के उसी स्थान पर जा पहुंची जहां महाराज च्यवन समाधि लगा करके बैठे हुए हैं, और हजारों वर्ष से समाधि लगाए बैठे हैं महात्मा च्यवन। तो उनके ऊपर इतनी धूल जम चुकी थी कि केवल मिट्टी का ढेर दिखलाई पड़ता था, ये पता नहीं चलता था कि ये कोई महात्मा है, कोई तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है। और लड़की ने खेल खेल में क्या किया है भक्तजनों, एक लकड़ी लई उठाई आंखी दई फोड़ी, वे एक बार डेरों समेत जा पहुंचे किसी तपोवन में, लगाए हुए ऋषि राज च्यवन हरि चिंतन में, हे जहां समाधि लगाए हुए ऋषि राज च्यवन हरि चिंतन में, उस वन में पहुंचे हैं जहां ऋषिवर च्यवन का आश्रम था। च्यवन ऋषि समाधि लगाए हुए हैं उसी तपोवन में। दोपहर का वक्त हो गया, तिलमिलाती धूप में राजा ने आज्ञा दे दी सैनिकों को कि यहीं पर पड़ाव डाल दो, वन की छाया में, पेड़ों की छाव में। सभी सैनिकों ने पड़ाव जमा दिया है और उस दिवस राजा के साथ उनकी एक छोटी सी कन्या जिसका नाम है सुकन्या, वो भी साथ में गई है। बालापन का मामला था, खेलते 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 वो कन्या अपनी कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के उसी स्थान पर जा पहुंची जहां महाराज च्यवन समाधि लगा करके बैठे हुए हैं, और हजारों वर्ष से समाधि लगाए बैठे हैं महात्मा च्यवन। तो उनके ऊपर इतनी धूल जम चुकी थी कि केवल मिट्टी का ढेर दिखलाई पड़ता था, ये पता नहीं चलता था कि ये कोई महात्मा है, कोई तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है। और लड़की ने खेल खेल में क्या किया है भक्तजनों, एक लकड़ी लई उठाई आंखी दई फोड़ी, अरे अब जोड़ी लीला की नई एक साथ ददा मेरे जोड़ी, आ
अब तो फोड़ो नैन ऋषि को लड़की बोली वाली तो फोड़ो नयन ऋषि को बिटरिया उमर की बारी है, उमर की बारी है लड़की ने उमर की बारी है बिटरिया भोली वाली है। बाबा भैया चवन को नयन बिटरिया। इस तरह से उस बाला उम्र की कन्या सुकन्या ने महात्मा चवन का नेत्र फोड़ दिया। उसे नहीं मालूम जिस समय लकड़ी चलाई है नेत्रों में तो खून की रक्त की धारा बह निकली। लड़कियां घबरा गई, वहां से भाग खड़ी हुई और जाकर के अपने डेरों में शिविर में चुपचाप लेट गई हैं। कुछ किसी से नहीं बतलाया, मारे डर के चुपचाप जाकर के लेट गई। लेकिन जानते हैं भक्तों, संत अवज्ञा कर फल कैसा, संत अवज्ञा कर फल कैसा, करई नगर अनाथ कर जैसा, हद से ज्यादा मल मूत्र त्यागना छूट गया, इस तरह से भारी मुसीबत आ खड़ी हुई। राजा सर्यात की समस्त सेना का पेट फूलने लगा है, मलमूत्र रुक गया। अब तो सब घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि संत के अपराध का फल ही कुछ ऐसा होता है। राजा बहुत ज्ञानवान था, धर्मवान था, विचार करने लगा। अरे संत आश्रम के निकट आते ही तो बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाया करते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े अपराध क्षमा हो जाया करते हैं, और जाने ये क्या हो गया, हमारी सेना को कौन सा पाप लग गया है जो इस संत ऋषि के आश्रम में आकर के इस तरह की पीड़ा उत्पन्न हो गई है। ज्ञानवान राजा विचार करने लगा। उसी समय अपने समस्त सैनिकों को सामने बैठा करके प्रश्न किया है कि ये बतलाओ, किसी ने संत का अपराध तो नहीं किया, कोई गलत काम इस आश्रम में तो नहीं किया है। सारी सेना चुपचाप बैठी है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब किसी ने कोई गलती की हो तब तो जवाब दे, कोई नहीं बोल रहा। जिस समय किसी ने जवाब नहीं दिया तो राजा सर्यात ने क्रोध में आकर के आज तलवार हाथ में खींच ली
और कहने लगा, अगर तुम लोग अपने पाप को छिपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो मैं एक एक करके सारी सेना का कत्ल कर दूंगा, लेकिन ऋषि के अपराध को, उस पाप को लेकर के मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता, वरना कहीं भी कल्याण नहीं होने वाला है। जिस समय उस 12 वर्ष की कन्या ने देखा है कि मेरे कारण से आज पूरी सेना को पाप लग रहा है, अपराध लग रहा है, दोष लग रहा है, और सबके प्राण संकट में आ रहे हैं, रो करके कन्या बोली है, हमने जे पातक सब कुछ बतला दिया। आज राजा सर्यात विचार करने लगा, अब क्या किया जाए। आज वह धर्मवान राजा विचार करता है कि अपराध चाहे किसी का भी हो, सजा एक सी होनी चाहिए। उसी समय निश्चय किया है और कन्या को पास में बैठा करके कहा, अरे अभागिनी, मैंने तो सोचा था किसी बड़े खानदान में अच्छे से राजकुमार को देखकर तेरी शादी तय की जाएगी, लेकिन शायद तेरी नियति में, तेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है। अब तुझे इसी बूढ़े महात्मा के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, इसी की सेवा में रहना पड़ेगा, वरना इसे पानी कौन देगा। आज सुकन्या को पास में छोड़ करके उसी च्यवन ऋषि के आश्रम में राजा सर्यात अपनी सेना को लेकर के वापस अपने नगर को चला गया है। हाँ भी न कही, ना भी न कही, कन्या हाथ जोड़ करके महाराज च्यवन के सामने बैठी है, आवाज लगा रही है, रुदन कर रही है, जगा रही है, महात्मा नैना खोल दो। हाँ भी न कही, ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही, महात्मा समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही।
तरह से। आज बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है सुकन्या, अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए महात्मा च्यवन के उसी आश्रम में निवास करती है। हाथ जोड़ करके ज्यादातर महात्मा के समक्ष बैठी हुई प्रार्थना करती रहती है और ईश्वर को याद करती है, हे भगवान मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा मिल जाए, इन महात्मा के नेत्र ठीक हो जाए। कितना समय व्यतीत हो गया भक्तजनों, बीते हैं 14 बरस, सुनो मेरे भाई, खुले ऋषि के नैन सुकन्या मन में हर साई, खुले ऋषि के नैन आज सुकन्या बहुत प्रसन्न हो गई। 14 वर्ष के बाद महात्मा च्यवन ने अपने नेत्र खोले हैं, योग समाधि का त्याग किया है। जिस समय देखा लड़की हाथ जोड़ करके आगे बैठी हुई है, महात्मा च्यवन कहने लगे, अरे कन्या तू कौन है? सुकन्या ने सारा वृत्तांत बतलाया है। उसी समय च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया है और जिस समय अश्विनी कुमार आए हैं, पधारे हैं च्यवन ऋषि के आश्रम में, बोले महाराज क्या आज्ञा है? तो महात्मा कहने लगे कि देखो मेरे नेत्र सबसे पहले ठीक हो जाएं, उसी समय सुकन्या हाथ जोड़ करके फिर सामने खड़ी हो गई और बोली महाराज केवल नेत्रों से काम नहीं चलने वाला है, साधना करते करते तुम्हारा शरीर बहुत ही जर्जर हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, पिताजी ने मुझे आपकी सेवा में आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, इसलिए आपका कर्तव्य है आप हमारा वरण करें। और वरण करने के लिए कम से कम जोड़ तो बराबर का होना चाहिए, बारह वर्ष का मेरे पिताजी छोड़ करके इस आश्रम में गए थे, 14 वर्ष बैठे बैठे व्यतीत हो चुके हैं, मेरी उम्र 26 वर्ष की हो चुकी है, आपकी उम्र भी अवस्था भी कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, तब हमारा जोड़ बनेगा। उसी समय च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा है, भैया कोई उपाय करो। तो अश्विनी कुमारों ने
सिद्ध जड़ी बूटियों बूटियों के योग से एक औषधि तैयार की है। जिस औषधि के योग से तरुण हुई वह देह है प्रसिद्ध वह आज तक च्यवन प्रास अवलेह। वो च्यवन प्रास अश्विनी कुमारों ने तैयार किया महात्मा च्यवन के लिए, इसीलिए उसका नाम च्यवन प्रास रखा गया, आज भी संसार में मशहूर है। अब तो जैसे बंजर जमीन में फसल लहलहाती है, महात्मा च्यवन का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, युवावस्था को प्राप्त कर लिया है च्यवन ऋषि ने, बहुत प्रसन्न हुए, अश्विनी कुमारों को वरदान दिया है कि जो चाहो मांग लो। अश्विनी कुमार कहने लगे कि देखो सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन एक समस्या है, देवता लोग मुझे यज्ञ में भाग नहीं देते, मुझे नीच समझते हैं, मलिन समझते हैं, क्योंकि मैं नाना प्रकार के रोगियों से मिलता हूं, उनका उपचार करता हूं, इलाज करता हूं। च्यवन ऋषि कहने लगे चिंता ना करो। कुछ समय व्यतीत हुआ, बहुत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है च्यवन महाराज ने उसी तपोवन में, जिसमें संसार के समस्त देवी देवता पधारे हैं। और जिस समय यज्ञ का समय आया तो महात्मा च्यवन ने अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ मंडप में यज्ञ वेदी पर बैठा दिया है। उसी समय देवराज इंद्र सामने आ गए, बोले कि ये नीच है, जातिहीन है, मलिन है, हम इसे अपने बराबर स्थान नहीं दे सकते। अच्छा, महात्मा च्यवन कहने लगे ये तुम्हारा अज्ञान है देवराज इंद्र, यदि जाति बंधुओं को यूं ही थू थू कर अलग हटाओगे तो याद रहे कुछ ही दिन में कौड़ी के तीन बिकाओगे। च्यवन ऋषि ने कहा यह तुम्हारा अज्ञान है देवराज इंद्र। इंद्र ने तलवार खींच ली, कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे समक्ष ये नीच यज्ञ में भाग नहीं पा सकता। उसी समय महात्मा च्यवन ने मंत्र का आवाहन किया है, मन में मंत्र का मनन किया है, देवराज इंद्र की तलवार ऊपर ही अटक कर रह गई, नीचे नहीं आ पाई। देवराज इंद्र समझ गए हैं अपने अपराध को, तत्काल ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा याचना की है। बहुत ही भव्य रूप से विधि विधान से वो यज्ञ संपन्न हुआ। समझाया है देवराज इंद्र को च्यवन ऋषि ने कि देखो हमें इस तरह का अज्ञान अपने दिमाग में नहीं पालना चाहिए,
आपस में वैर ठीक नहीं होता। सभी प्राणी परमात्मा एक ही परम पिता की संतान है, सभी हमारे भाई बंधु हैं। संसार में केवल भाई बहन का नाता है, क्योंकि सब एक ही परमात्मा की संतान है। और कहने लगे, दरअसल अछूत शूद्र वो है जो कुल को दाग लगाता है, समझा बुझा करके आज महात्मा सर्यात ने महात्मा च्यवन ने सभी को विदा किया है। एक बार बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी पावन सूर्य वंश में एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है, जिसका नाम है अम्बरीश। और राजा अम्बरीश बहुत ही भक्त था भगवान का, श्याम सुंदर कन्हैया का बहुत बड़ा भक्त था। एकादशी का व्रत उसने हमेशा नियम से किया है। 10-5 साधु सन्यासी प्रतिदिन उसके दरवाजे पर भोजन अवश्य पाते थे। अतिथियों की सेवा और सत्कार को अपना परम धर्म समझता था राजा अम्बरीश। एक दिन का जिक्र है, एकादशी का अगला दिन था द्वादशी का। एकादशी व्रत का पारायण हमेशा द्वादशी को किया जाता है भक्तजनों। और याद रहे कि एकादशी का व्रत परमात्मा श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा है कि व्रतों में मैं एकादशी का व्रत हूं। इसका तात्पर्य यही है कि उनको एकादशी का व्रत सबसे अधिक प्रिय है। तो द्वादशी की प्रभात वेला में ज्योतिषियों ने बहुत ही अल्प घड़ी बतलाई थी व्रत को तोड़ने के लिए, पारायण के लिए। और उसी दौरान महात्मा दुर्वासा अम्बरीश के दरवाजे पर आ पहुंचे। राजा का नियम था, बिना किसी संत को अतिथि को भोजन कराए वो अपना व्रत नहीं तोड़ता था। तो अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुआ, अपना सौभाग्य मनाया कि देव योग से ऋषिवर मेरे द्वार पर आ पहुंचे हैं। तो अनुरोध किया है, हे महात्मन, आप मेरे आंगन में भोजन कर लें तो मुझे गृहस्थी का सौभाग्य हो जाए। महात्मा दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हम अभी गंगा मैया से स्नान करके आए रहे हैं, तुम तब तक तैयारी करो। महाराज दुर्वासा चले गए और वो व्रत के पारायण की अल्प घड़ी जो थी, जो समय था, वो बीता जा रहा था। तो ज्योतिषियों से विचार मंथन किया है राजा अम्बरीश ने कि क्या करना चाहिए, ऋषि दुर्वासा तो आए नहीं, और निमंत्रण दे करके अगर किसी को सत्कार न किया जाए तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है। अब उनका इंतजार किए बिना अगर मैं भोजन कर लेता हूं, पारायण कर लेता हूं, तो भी अपराध लगता है, और
इंतजार करता हूं तो मुहूर्त निकला जा रहा है। तो ज्योतिषियों ने कहा कि देखो, भगवान का चरणोदक लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के तुम अपने व्रत का पारायण कर सकते हो। बाद में जब महात्मा जी पधारेंगे तो उनके साथ में भोजन कर लेना। और जो ही राजा अम्बरीश ने भगवान का चरणोदक पान किया है, तुलसी पत्र का पान किया है, उसी समय दुर्वासा ऋषि द्वार पर पदार्पण कर गए और जोर की फटकार लगाई है, ए राजा अम्बरीश, तो अपने राज के मद में अंधा हो गया है, इसीलिए संत मानतों का आदर सत्कार करना भी भूल गया है। मुझे वचन देकर के तूने पहले ही व्रत का पारायण कर लिया, मेरा इंतजार करना भी उचित नहीं समझा। राजा गिड़गिड़ाने लगा, दोनों हाथ जोड़ करके महात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत करने लगा। बोला, महाराज, मैंने ज्योतिषियों के बताए अनुसार ही काम किया है और अभी तक भोजन मैंने ग्रहण नहीं किया, आपका इंतजार महलों में हो रहा है। मैंने तो केवल चरणोदक पान किया है, भगवान का चरणोदक ग्रहण किया है, केवल तुलसी पत्र का पान किया है, लेकिन महात्मा दुर्वासा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए और क्रोध में आग बबूला होकर के दुर्वासा जी ने जानते हैं क्या किया है। तत्काल जटाए खोल खाल राक्षसी एक प्रकटा डाली, अपनी जटाओं को तुरंत ही खोल दिया और मंत्रों का आवाहन करके एक राक्षसी उत्पन्न कर दी और वो भयानक राक्षसी तत्काल ही मुंह फाड़ करके राजा अम्बरीश की ओर झपटी है। तत्काल जटाए खोल खाल राक्षसी एक प्रकटा डाली, मंत्रों की शक्ति मार राजा की ओर बढ़ा डाली। एवं मंत्रों की शक्ति मार राजा की ओर बढ़ा डाली। शक्ति मार राजा की ओर बढ़ा डाली। मंत्रों की शक्ति से उस राक्षसी को राजा के पीछे दौड़ा दिया। अब राजा भागा भागा फिर रहा है और वो राक्षसी विकराल रूप बना करके मुंह फाड़े हुए राजा अम्बरीश के पीछे दौड़ रही है। आज बहुत व्याकुल हो गए भक्त राज अम्बरीश, लेकिन जानते हैं जब परमात्मा के भक्तों पर कष्ट आता है तो आगे पीछे की ज्यादा नहीं सोचते। तत्काल ही सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया है भगवान श्री कृष्ण ने और वो सुदर्शन चक्र वहां से चल करके दुर्वासा के पीछे लग गया। तब तक देखा दुर्वासा ने, क्या देखा, वो सुदर्शन चक्र वहां से चला है और
उनके सिर पर मंडराया है। अब कुछ प्रेम ताल ना लिए हुए वह हाल चाल दिखलाया है। वह चला सुदर्शन चक्र, वह चला सुदर्शन चक्र जब ही दुर्वासा के सिर मंडराया है। वो सुदर्शन चक्र आज वहां पहुंचा और दुर्वासा ऋषि के शीश पर चक्कर लगाने लगा। अब घबराए घबराए भागे भागे फिर रहे हैं, तीनों लोक में भागते हाँफते घूम रहे हैं दुर्वासा ऋषि, लेकिन वो चक्र ना तो कोई आघात पहुंचा रहा है और ना तो पीछा छोड़ रहा है, केवल दुर्वासा जी के शीश पर मंडरा रहा है और दुर्वासा जी घबरा रहे हैं। एक वर्ष का समय बीत गया, एक साल तक दुर्वासा ऋषि भागते फिरते रहे। कोई सहायक नहीं मिला, मददगार कोई नहीं मिला। जहां भी गए सबने मना कर दिया, ब्रह्मा ने मना कर दिया, विष्णु ने मना कर दिया, शंकर ने मना कर दिया। कहा कि अगर बचना है तो उसी भक्त की शरण में जाओ जिसको तुमने आघात पहुंचाया है, जिसका अपराध किया है। आज दुर्वासा ऋषि को ज्ञान हो गया कि भक्ति की महिमा कितनी बड़ी है और भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों से कितना स्नेह रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं। लेकिन कई बार बड़े से बड़े ज्ञानी भी मोह के भ्रम में फंस जाया करते हैं। उस समय तो दुर्वासा जी ने पीछा छुटा लिया चक्र से क्षमा याचना करके, लेकिन फिर एक और कठिन तपस्या के बल से परीक्षा रख दी अम्बरीश के समक्ष। बोले कि भाई अब भोजन तो कराना होगा। तो जिस समय अम्बरीश ने भोजन कराने के लिए भंडारा तैयार करने का प्रबंध करवाने की सोची, तो देखा है कि अन्न से भरा हुआ कुठार जहां 100 बोरे अनाज लगा हुआ था एकदम खाली पड़ा था। दुर्वासा ऋषि ने अपने योग बल से, माया से, मंत्रों की साधना की शक्ति से वो अन्न का भंडार सारा साफ कर दिया, एक दाना भी नहीं बचा। कहने लगे भोजन कराओ अम्बरीश। आज अम्बरीश परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान लगा करके उसी कुठार में के दरवाजे पर बैठ गया। सुदिली जो मेरी बनवारी रे दुखवारी रे, सुदिली जो नाथ मुरारी रे दुखवारी रे,
आदिशक्ति अलौकिक उपचार ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति माँ आदि शक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरु जी श्री सूर्य भान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदि शक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्य भान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व माँ आदि शक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदि शक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारत वर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052, 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महाअभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदि शक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरुजी श्री सूर्य भान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदि शक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरुजी द्वारा संस्थापित आदि शक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए एक वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए एक मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए, अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए, पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए।